बड़ा खतरनाक कैदी है जिसने ये जुर्म किया है और हमें इसे कोई बड़े जेल ले जाना है। हेलो सर, ये आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। लेकिन ये गिफ्ट किस लिए है? बताना होगा, वो ही कुछ कर सकता है। हेलो शिवा, क्या कर रहा है? करने के लिए उसे यही जगह मिली है। ए बच्चे, हट जाओ जीप के सामने से, वरना चोट लग जाएगी। अंकल, बच्चा मत कहना। दीदी से जाना तेवर तो देखो इनका। अरे बच्चा को बच्चा नहीं कहेंगे तो कच्चा अच्छा कहेंगे। शिवा नाम है मेरा। तुम सब क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ उस बच्चे को पकड़ो। Hands up! और भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। तुम लोगों को पता नहीं है, यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब चोर चोरी करता है, लोग कहते हैं कि चोरी मत करना, वरना लड्डू सिंह आ जाएगा।
दया बहुत दयालु है, किसी का कोई उधार नहीं रखता बच्चे। मैं जल्द वापस आऊंगा। चल बे गंजे, चल। वेलकम बैक बॉस, आज हम पार्टी करेंगे। दया बहुत दयालु है, पहले मुझे उस लड़के का उधार चुकाना है। जाओ उस बच्चे के बारे में सब कुछ पता करो। बॉस, हमने पहले ही उस बच्चे के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया है। वो पास ही विदास सिटी में अपने नाना के साथ रहता है। बस ये भी पता चला है कि वो लोग इस बार क्रिसमस बहुत बड़े तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं और उसका नाना सांता क्लॉस बनने वाला है। सांता क्लॉस, वेरी गुड। अब एक नकली सांता क्लॉस यहाँ से भी जाएगा। बच्चों, कैसा लग रहा हूँ मैं? नाना जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइट है कॉस्ट्यूम। दूसरा ट्राई करके देखिए, तब तक हम लोग डेकोरेशन का सामान खरीद लेते हैं। शिवा, तुम उधर सामने वाले मॉल में जाओ, मैं आदि यूडी इधर दूसरे मार्केट में देखते हैं। ठीक है बच्चों, पर ज्यादा दूर मत जाना। क्रिसमस इन एडवांस। लगता है आप सांता क्लॉस बन रहे हैं। पर मुझे अभी तक परफेक्ट ड्रेस नहीं मिल पाई है। मैं आपको एक से एक ड्रेस दिखाऊंगा, लेकिन पहले हैंड्स अप एंड फॉलो मी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे वो देखो, नकली सांता क्लॉस नाना जी को पकड़ के ले गया। कोई पुलिस को बुलाओ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रोको रोको, अभी चुपचाप बैठे रहो। नाना जी, कौन कहाँ ले जा रहा है? वो नाना जी को राइट वाले लेन से ले गए। दया शेट्टी किसी का उधार नहीं रखता, तुम्हें पहले ही कहा था। अभी तो तुम्हारे बहुत चाहने वाले बाकी हैं। घर पर नानी भी तो है अकेली। खबरदार, अगर मेरी नानी को कुछ भी किया तो। yeah!
नानी, नानी कहाँ हो? क्या हुआ शिवा? मैं तो यही हूँ, किचन में खाना बना रही थी। तुम्हारे नाना जी और बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो सब लोग अभी भी मार्केट में ही होंगे, आप घर पर ही रहिएगा। नाना जी किसी भी टाइम पे आ गए तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलिएगा, सुना है बाहर चोर डाकू घूम रहे हैं। ठीक है। लड्डू सिंह जी, कुछ लोगों ने नाना जी और दोस्तों को किडनैप कर लिया है। मेरे पास किडनैपर का फोन आया था, मैं उसको कॉल करता हूँ। आप उसके कॉल को ट्रेस करके उसकी लोकेशन का पता लगाइए। ओके शिवा। प्लीज तुम जो भी हो मेरे नाना जी और दोस्तों को छोड़ दो। इतनी आसानी से कैसे उन सब को छोड़ दूं? अंकल, उन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, उन सबको छोड़ दीजिए। दया शेट्टी किसी का उधार नहीं रखता। तुम सबको क्रिसमस धूमधाम से मनाना था ना? क्रिसमस तो अभी भी तुम लोग मनाओगे, पर धूमधाम से नहीं बल्कि धड़ाम से। पूरे वेदा सिटी में आज जश्न नहीं, मातम छाएगा। ठीक है अंकल, अब आप अगर मेरे दोस्तों को नहीं छोड़ रहे तो मैं आपके पास आता हूँ। पहले ढूंढ तो लो। शिवा, लोकेशन स्नेक वैली का दिखा रहा है, तो चलो जल्दी स्नेक वैली। चलो आ गए बच्चे। हे, पकड़ो इसे, बच के जाने न पाए। आज इसका कुंग फू कराटे सब निकाल दो। शॉक।
बस करो बस करो, इतनी मार तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाई। अब पछता रहा हूँ कि मैं जेल से भाग कर क्यों आया, वही अच्छा था। शिवा, कुछ करो, बीन बजाते बजाते मेरा मुंह दर्द होने लगा है। Hands up! देखा, पकड़ ही लिया ना। लड्डू सिंह का नाम यूं ही फेमस नहीं हो गया। थैंक यू शिवा,
तुमने एक बार फिर कानून की मदद की है। थैंक यू वेरी मच। शिवा चलो, वेदा शहर में सब फादर का इंतजार कर रहे होंगे। Christmas to all.